साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपका एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें पशु को हाई टेम्परेचर हो जाने पर, हाई फीवर हो जाने पर उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे इलाज करना चाहिए, तो विस्तार से मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इसको 106 डिग्री टेम्परेचर है जिसको हमने इसको सबसे पहले हमने निलवाया है। 106 में अगर दोस्तों मई और जून के महीने में ये कंडीशन, ये केसेस ज़्यादा मिलें तो सबसे पहले पशु को नहलाना चाहिए। उसके बाद 1 या 2 डिग्री डाउन होने के बाद पशु को इंजेक्शन लगाना चाहिए, जनरली इंजेक्शन लगाना चाहिए, मेलोक्सिकैम, पैरासीटामोल, एंड्रोफ्लॉक्सासिन और एविल वगैरह इस कंडीशन में आपको लगा सकते हैं। जब पशु का टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाए तभी इंजेक्शन लगाने चाहिए। उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे बाद एक एंटीबायोटिक देना चाहिए इस कंडीशन में, और पशु इसमें जो है हल्का हल्का चारा भी खाता है। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर टेम्परेचर नहीं टूटे इन सभी दवाओं से तो फिर क्या करें। तो साथियों अब हम बात करेंगे कि अगर आपने पशु को नॉर्मली इंजेक्शन लगा दिए हैं, एंटीबायोटिक भी लगा दिया है और फिर भी नहीं टूट रहा है, तो उस कंडीशन में हम आपको एक ऐसा इंजेक्शन बताएंगे जिससे पशु का इंजेक्शन लगने से पशु का टेम्परेचर टूट ही जाएगा, जिसका नाम है बैरानिल। और मैं आपको स्क्रीन पर उसकी फुटेज दे दूंगा। ये दोस्तों सर्रे का इंजेक्शन होता है, इसमें डिमिनिजिन एसिचुरेट साल्ट होता है। और अगर पशु का टेम्परेचर सब दवाओं से नहीं टूटता है तो हम लास्ट में इस इंजेक्शन का भी उपयोग करते हैं, जिससे पशु का 12 घंटे में पशु का टेम्परेचर टूट जाता है। अगर फिर भी इस दवा को लगाने से टेम्परेचर नहीं टूट रहा है तो उस कंडीशन में हमें पशु को बोतल लगाना ज़रूर चाहिए, और उसमें हम कुछ इंजेक्शन बताएंगे जिसको पशु को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और पशु का टेम्परेचर भी आसानी से टूट जाएगा। तो साथियों पशु को सबसे पहले अच्छी तरह बांध लें, एक तरफ बेल या जंजीर बांध लें और एक खूंटे में पशु का मोहरा खींच लें, जिससे पशु आसानी से बोतल लगवा लेता है और किसी प्रकार की हलचल नहीं करता। वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 या 3 चीजें सिखाऊंगा जो बोतल लगाने में बहुत अहम रोल करती है। तो सबसे पहले आप पशु को दोनों खूंटे में, मैंने बताया कि दोनों खूंटे में अच्छी तरह बांध लें, इससे पशु बहुत कम हिल पाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं या किसान ऐसा करता है कि पशु को पेड़ से बांध लेता है और जिसकी गर्दन पशु बार बार हिलाता है और उसकी सुई जो है निडल हट जाती है और निकल जाती है, जिससे पशु को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन कंडीशन में अगर आप बोतल आप इस तरह से लगाएंगे तो पशु एक बार में बोतल लगवा लेगा और किसी भी परेशानी का सामना नहीं करेगा। और देखो अब फिलहाल हम आई भी लगा रहे हैं, किस तरह से पशु ने किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं करी है और आसानी से इसको बोतल हमने लगा दी है, निडल भी लगा दी है। अब इसमें लोग गलती ये करते हैं कि नई निडल का यूज़ करते हैं, और अगर पशु को आप नई निडल लगाएंगे तो वो निकल जाती है, हल्की फुल्की गर्दन हिलाता है पशु निकल जाती है। तो इसमें मैं आपको एक नियम बताऊंगा, सबसे पहले नई निडल को आप किसी दीवार वगैरह या पत्थर वगैरह पर घिस लें जिससे उसमें स्क्रैच आ जाएंगी, और जब भी आप अच्छी तरह उसको धो के आई भी लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी सरकेगी नहीं, वो एक ही जगह लगी रहेगी। बार बार आपकी जो बोतल है आई भी है वो निडल बिल्कुल नहीं हटेगी। और इस तरह से अगर आप कंडीशन में लगाएंगे ऐसे करके, जो मैंने निडल बताई है आपको, उसको रब कर लें अच्छी तरह तब बोतल लगाएं, तो आपको पशु अगर एक बार बोतल आपने लगा दी तो वो फिर दोबारा नहीं हटेगी। तो हाई टेम्परेचर में मैं आपको बताऊंगा कि हाई टेम्परेचर 105 या 106 का टेम्परेचर नहीं टूट रहा है पशु का, तो आप बोतल कौन सी लगानी चाहिए और पशु की क्या कंडीशन है बोतल लगाने की, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पशु का पानी पीने का किसान से क्राइटेरिया पूछें, कितना पानी पी रहा है नहीं पी रहा। अगर पशु बिल्कुल पानी नहीं पी रहा है तो आप उसको बोतल लगाएं ज़रूर। और पशु हाँफने लगता है हीट स्ट्रोक में, क्योंकि टेम्परेचर भी हीट स्ट्रोक में ही आता है, तो हम इसको सबसे पहले 106 या 105 में एनएस देंगे। एनएस दोस्तों एक फीवर में चढ़ाई जाती है, और हमने इसको जो दिया है 30 से 40 ml, दोनों बोतल में 15-15 ml ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन दिया है, जिसको टेरामाइसिन भी कहते हैं। दोनों बोतल हमने दिया है, 2 बोतल चढ़ाई है एनएस की, और टेरामाइसिन हमने 30 ml दिया है, और साथ में ट्राइबीबेट हमने इसमें डाला है, और एक इंजेक्शन आता है एंटीमनी पोटेशियम, जो मैं स्क्रीन पर सभी इंजेक्शन को आपको दे दूंगा। तो इस तरह से आप जो है पशु को हाई टेम्परेचर का इलाज कर सकते हैं, और पशु को 2 दिन आपने ये रिपीट करना है। पहले दिन में ही आपको फर्क लगने लगेगा, पशु का टेम्परेचर टूट जाएगा और पशु चारा भी खाने लगेगा आपका पशु। तो इस तरह से आप हाई टेम्परेचर में इलाज कर सकते हैं, और मैंने आपको आईवी लगाने का तरीका भी बताया है किस तरह से आप आईवी लगा सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात बताना भूल गया, यह 4 से 5 महीने की भैंस जो ग्यावन है, प्रेग्नेंट है, आप प्रेग्नेंट में इस दवाओं को लगा सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से, या कोई भी प्रैक्टिशनर भाई है इन दवाओं का यूज़ कर सकता है, कोई भी प्रेगनेंसी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और
ये मैंने आपको दिखाया है कि पशु को कैसे दोनों तरफ बांधते हैं, एक तरफ बेल बंध रही है और दूसरी तरफ जो है पशु की जंजीर बंध रही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।